Rich Dad Poor Dad, Lesson 4, The History of Taxes and the Power of Corporation. A corporation is the biggest secret of rich. हम सब ने बचपन में रॉबिन हुड की कहानी तो जरूर सुनी होगी। उस कहानी में कैसे एक हीरो अमीर लोगों से पैसे चुरा कर गरीब की मदद करता था। ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऑथर के रिच डैड को रॉबिन हुड एक हीरो नहीं चोर लगता था। रॉबिन हुड तो कब का चला गया, लेकिन उसके फॉलोअर्स अभी भी है। आज भी लोग बोलते हैं सरकार अमीर लोगों से क्यों नहीं लेती, या अमीर लोग सारा टैक्स क्यों नहीं देते, सिर्फ इसी सोच की वजह से कि अमीर से लो और गरीब को दो। आज सबके से ज़्यादा वही लोग सफ़र कर रहे हैं जो ये सोच रखते थे, क्योंकि अमीर लोग टैक्स नहीं भरते। टैक्स भरते हैं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, जिनके लिए टैक्स लीगल हुआ था वही टैक्स नहीं देते। इसे समझने के लिए टैक्स की हिस्ट्री जानना जरूरी है। रिच डैड माइक और ऑथर को समझाते हैं कि पहले इंग्लैंड और अमेरिका में कोई टैक्स नहीं था। पहले लोगों से टैक्स सिर्फ वॉर के वक्त लिया जाता था, वो भी किंग या प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पे। पहली बार टैक्स ब्रिटिश और नेपोलियन के फाइट के वक्त लिया गया 1799 से 1860 तक। फिर अमेरिकन सिविल वॉर में 1861 से 1865 तक। 1874 को इंग्लैंड ने इनकम टैक्स परमानेंट कर दिया, और 1913 तक यूनाइटेड स्टेट्स ने भी। इंग्लैंड और अमेरिका को 50 साल लग गए इनकम टैक्स की हैबिट लगाने में। लोगों को ये कहकर टैक्स लिया गया कि टैक्स एक पनिशमेंट है रिच पीपल के लिए, वो ज़्यादा टैक्स देंगे जिससे पुअर और मिडिल क्लास लोगों की हेल्प होगी। तभी लोगों ने वोट दिया और टैक्स लीगल हो गया। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया, मीन्स पुअर और मिडिल क्लास लोगों ने, वही सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि रिच पीपल को पता है टैक्स से कैसे बचा जाए। रिच लोगों को पता है कि कॉरपोरेशन कैसे काम करता है और कैसे वो ज़्यादा टैक्स से बच सकते हैं। ऑथर के दो डैड थे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ऑथर के रिच डैड एक कैपिटलिस्ट थे और उनके पुअर डैड एक सोशलिस्ट। रिच डैड सोचते थे कि गवर्नमेंट को सिर्फ दूसरों की इनकम से अपना पार्ट लेने आता है, और वही पुअर डैड सोचते थे कि गवर्नमेंट ही है जो पुअर पीपल की हेल्प करेगी। जैसे जैसे ऑथर बड़े होते गए, उन्हें समझ आता गया कि लोग कितना भी कह दें टेक फ्रॉम रिच गिव टू पुअर, लेकिन रिच पीपल्स हमेशा गेम स्मार्टली खेलते थे और ज़्यादा पैसा टैक्स से बचाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पैसा कैसे काम करता है, जो चीज़ स्कूल कभी नहीं सिखाती। आज हम सीखेंगे कि कैसे रिच पीपल अपना टैक्स बचाते हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट है जानना कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। रिच पीपल लूपहोल्स ढूंढते हैं हर जगह से जहाँ से वो पैसा बना पाए, वैसे ही टैक्स सिस्टम में भी लूपहोल है, और इसका यूज़ करते हैं रिच पीपल थ्रू कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन या कंपनी एक बिल्डिंग, फैक्ट्री या ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, कंपनी एक इंडिविजुअल बॉडी है, जिसे बिजनेसमैन और कंपनी एक अलग अलग एंटिटी जैसे माना जाती है, दो अलग लोग। और बिजनेसमैन इसी कंपनी का खर्च से अपना पर्सनल नीड पूरा करता है, और जो बच जाता है उसे वो टैक्स देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मिडिल क्लास लोग पूरा इनकम में से टैक्स भरते हैं, और जो बच जाता है उसे यूज़ करते हैं। आज तक जब भी जो भी रूल बना है रिच पीपल लोगों के लिए, वो हमेशा उनमें से लूपहोल्स निकालते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट है, उन्हें पता रहता है कि पैसे कैसे काम करता है। आज भी जब ऑथर पेरेंट्स को देखते हैं कि अपने बच्चों को बोलते हुए अच्छे से पढ़ो, एक सिक्योर जॉब करो, तब वो सोचते हैं कि अच्छे से पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन एक सेफ और सिक्योर जॉब के लिए नहीं, क्योंकि जॉब हमें सिखाते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम करा जाए, और फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है पैसे कैसे काम करता है। एक एवरेज अमेरिकन साल के 3-4 महीने गवर्नमेंट के लिए काम करता है फ्री, मतलब एक एवरेज अमेरिकन की इनकम में से वो 30% इनकम गवर्नमेंट को दे देता है। जितना ज़्यादा आप काम करते हो उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को देते हो। जब भी लोग रिच पीपल को सबक सिखाने के लिए लॉ निकालते हैं, रिच पीपल हमेशा उसे बाहर निकल जाते हैं, और वो तरीका ढूंढते हैं अपने पैसे को बचाने का। वो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट पीपल को हायर करते हैं जिससे वो और पैसा बचा सके, और एट दी एंड जो रूल्स बनाते हैं वही उसमें फंस जाते हैं। ऑथर के रिच डैड ऑथर को बोलते हैं कि नॉलेज पावर है, और पैसे के साथ आता है ग्रेट पावर। जिसके लिए सही नॉलेज चाहिए उसे रखने और बढ़ाने के लिए, बिना नॉलेज के तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें दुनिया देगी। रिच डैड माइक और ऑथर को कहते हैं प्रॉब्लम तुम्हारे सुपरवाइजर या बॉस में नहीं, प्रॉब्लम है टैक्स मैन में, जो तुमसे तुम्हारा हिस्सा कर ले जाता है अगर तुम उसे ले जाने दोगे। मनी इज़ ऑल अबाउट पावर। अगर आप पैसे के लिए काम करते हो तो पावर रहेगी आपके बॉस के हाथ में, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर हमेशा आपके हाथ में रहेगी। एक बार पैसे की पावर समझाने के बाद रिच डैड चाहते थे ऑथर फाइनेंशियली स्मार्ट हो जाए, जिससे उन्हें वो मिले जो वो चाहते हैं, ना कि जो दुनिया उसे देना चाहती है। अगर आप इग्नोर करते रहोगे तो दुनिया आपको हमेशा परेशान करते रहेगी, लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो आपको फाइट करना चाहिए। इसलिए रिच डैड ज़्यादा सैलरी देकर टैक्स अकाउंटेंट को हायर करते हैं, जो उनकी टैक्स बचाती थी, क्योंकि टैक्स अकाउंटेंट को पैसा देना लेस एक्सपेंसिव था टैक्स देने से। ऑथर को अपने रिच डैड की आज तक से बेस्ट एडवाइस मिली थी, और वो है बी स्मार्ट एंड यू वोंट बी पुश्ड अराउंड एज मच।
वहीं दूसरी तरफ ऑथर के पुअर डैड ऑथर को एनकरेज करते थे एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। वो हमेशा बात करते थे कि कैसे कॉर्पोरेट में रहकर ऑथर एक एक सीढ़ी ऊपर जा सकते हैं। पुअर डैड ये नहीं समझ रहे थे कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड होने से वो खुद एक रैट रेस में फंस चुके थे। जब ऑथर ने ये बात अपने रिचर्ड से बोली तो रिचर्ड हंसने लगे और बोले, एक एक स्टेप बढ़ने से अच्छा क्यों ना तुम पूरी सीढ़ी खरीद लो, मतलब पूरी कंपनी खरीद लो। ऑथर छोटे थे तो उन्हें ये बात उतनी समझ नहीं आई कि खुद की कंपनी कैसे खरीदे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके बारे में जानने के लिए। उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा था कि कैसे एक कंपनी स्टार्ट कर रहे और अपनी कंपनी में काम करें। ऑथर बोलते थे कि अगर रिच डैड नहीं होते तो वो अपने डैड की बात मानते और गवर्नमेंट जॉब करते और रैट में इसमें फंस जाते, लेकिन लकली उन्हें रिच डैड मिले और उन्होंने 15 से 16 साल की उम्र में सोच लिया था कि वो अपने एजुकेटेड डैड की बात नहीं रिच डैड की बात मानेंगे और खुद की कंपनी खोलेंगे, और यही डिसीजन उनकी लाइफ चेंज कर दी। आगे हम जानेंगे कैसे ऑथर खुद एक रैट रेस से निकले और खुद की कंपनी खोले। जब ऑथर अपने 20s में थे तो वो एक जेरोक्स कंपनी में काम करते थे। ऑथर अच्छे खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन जब भी वो अपने पेचेक देखते उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके सैलरी में से बहुत सारा पार्ट गवर्नमेंट ले लेती थी एज अ टैक्स। जितना ज़्यादा वो काम करते उतना ज़्यादा वो टैक्स देते। जैसे ऑथर अपने काम में सक्सेसफुल होते गए, उनके बॉस उनके प्रमोशन के बारे में बात करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि जैसे रिच डैड उन्हें कुछ बोल रहे हो कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। 1974 जेरोक्स कंपनी में काम करते करते ऑथर ने पहली बार अपनी कंपनी खोली। वहाँ काम करते करते अपने बिजनेस भी संभालते थे। बहुत सारे एम्प्लॉयर सोचते हैं कि अपने एम्प्लॉय को सजेस्ट करना कि खुद के काम पर ध्यान दे गलत है, लेकिन ऑथर अपने बिजनेस पर फोकस करते रहते और भी ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय बन गए थे, क्योंकि उनके पास अब एक पर्पस था। वो काम पर जल्दी आते थे और भी ज़्यादा मेहनत करते थे, और इन सब पैसे को वो खुद की कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। वो अपने जॉब को इतना अच्छा तरीके से करते थे कि कुछ ही साल में वो टॉप 5 सेल्समैन बन गए जेरोक्स कंपनी के, और ये सब हो पाया था क्योंकि उन्हें रैट रेस से बाहर निकलना था। 3 साल के अंदर ऑथर ने एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा कर लिया था। साथ ही साथ वो जेरोक्स कंपनी में भी काम करते थे। जितना पैसा वो वहाँ से बनाते उसका वो रियल एस्टेट खरीदते और अपने एसेट कॉलम को बढ़ाते रहते। उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था और भी ज़्यादा पैसा लाकर दे रहा था। वो अपने हर एक डॉलर को एक एम्प्लॉय जैसा मानते थे जो और भी एम्प्लॉय लाकर देता, और फाइनली वो रैट रेस से बाहर हो गए थे क्योंकि उन्हें रियल एस्टेट जेरोक्स कंपनी से ज़्यादा पैसा बनाकर दे रही थी। ऑथर बोलते हैं, बिना फाइनेंशियल नॉलेज के, जिसे वो फाइनेंशियल IQ या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं कर पाते। और वो अपना नॉलेज दूसरों को शेयर करते हुए कहते हैं कि फाइनेंशियल IQ के लिए हम सबको कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा होना होगा। पहला, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी। अब जो साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से है उन्हें अकाउंटिंग उतना समझ नहीं आया होगा, उनके लिए मैं एकदम बच्चों की भाषा में समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपको नंबर्स पढ़ना आना होगा जिससे आप बिजनेस की वीकनेस को समझ पाएंगे। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल है। दूसरा, इन्वेस्टिंग इज द साइंस ऑफ मनी मेकिंग मनी। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व करता है स्ट्रैटेजीज, फॉर्मूलाज और कितना क्रिएटिव आप सोचकर इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। मार्केट समझना मतलब सप्लाई और डिमांड को समझना। आपको समझना होगा मार्केट को, जो कि बहुत इमोशन ड्रिवन है। मार्केट इमोशन में बहुत ज़्यादा चलती है। चौथा, द लॉ। एक कॉरपोरेशन में स्किल, टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट सब आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लॉ समझना, टैक्स लॉ, जिससे आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि दैट इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप, और टैक्स लॉ आपको हेल्प करेगी आपके पैसा बचाने में। पाँचवा, टैक्स एडवांटेजेस। एक कंपनी एक हेल्प कर सकती है आपको सब कुछ करने में जो आप अकेले नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल कमाता है और उस पैसे पर टैक्स देता है, और जो बच जाता है उसे वो खर्च करता है। लेकिन एक कंपनी जब कमाती है तो सबसे पहले खर्च करती है। CEOs अपनी कंपनी के सब कुछ खर्च करते हैं, और कंपनी को खर्च करने के बाद जो भी वो बच जाती है उसे वो टैक्स देते हैं, जो कि ना के बराबर होती है। छठा, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉसूट। हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारे फायदे में से सब अपना फ़ायदा चाहते हैं, इसलिए रिच पीपल अपना पैसा कंपनी या ट्रस्ट के नाम पर छिपा कर रखते हैं। जब भी कोई इन पर सू करता है तो उस इंसान को पता चलता है कि अमीर लोग कुछ ओन नहीं करते हैं, लेकिन कंट्रोल सब कुछ करते हैं। लेकिन हम गरीब और मिडिल क्लास लोग ओन सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कई बार हमें अपनी वेल्थ या प्रॉपर्टी गवर्नमेंट या उस इंसान के नाम पर देनी पड़ती है जो हम पर सू करती है। और ये हमने सीखा था रॉबिनहुड की कहानी से, दैट टेक इट फ्रॉम रिच एंड गिव इट टू पुअर। एट दी एंड ऑथर हमें फोर्स नहीं करते हैं कंपनी खोलने के लिए। वो चाहते हैं कि हम जो भी एसेट ओन करें एट दी एंड हमें उनका पूरा वैल्यू मिलना चाहिए, ना कि 30-40% गवर्नमेंट को दे दे एज अ टैक्स। सो गाइस, ये थी चैप्टर 4 की समरी। चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी की समरी बहुत जल्दी आ रही है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।